हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वीडियो में। तो इसमें मैं जनरली ये बताने वाला हूँ कि जो एएलपी का प्रिपरेशन, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, मैं स्पेशल एएलपी हूँ रेलवे में, तो कुछ एक्सपीरियंस है जो कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होता है। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, और जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई सही वे में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कोई टीचर नहीं हूं। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक भाई, कि आप घर से निकले हो, अगर कहीं रूम पे रहे हो तैयारी करने के लिए, तो रूममेट सही चूज करना। मेरा रूममेट विकास था, और वो बंदा ऐसा था कि 6-7 घंटे क्लास करने के बाद भी रूम पे 6-7 घंटे पढ़ता था। तो यार उसको देख के मुझे शर्म आता था, और मैं भी थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया। इसके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। एएलपी में 3 एग्ज़ाम होता है जो मैंने क्रैक किया, तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। और भाई वो लड़का अभी यूपीपीसीएल में जेई है, मेरे बाद हुआ उसका, क्योंकि उसका एएलपी एम नहीं था तो एग्ज़ाम नहीं दिया था। फिर यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम आया तो उसने दिया, उसका यूपीपीसीएल जेई है अभी वो। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट ये है कि मेरा मानना है कि अगर आप उस पीरियड में हो तो जितने ही फ्रेंड्स वगैरह कम बनाओगे वो आपका मेन चीज़ है, कि फ्रेंड्स वगैरह कम बनाओ, टाइम कम पास होगा। तो ठीक है, मेन आते हैं पढ़ाई के बात पे। पहला टॉपिक ये है कि स्टार्टिंग से, कि आप पहले तो उस एग्ज़ाम को पढ़ो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ो। तो एग्ज़ाम को पढ़ने का मतलब मेरा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। ये बहुत एक अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, पढ़ो और समझो कि किस टॉपिक से आता है, क्या आता है और क्या सिलेबस रहता है। तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, फिर उससे पता चलता है कि मेरा उसमें क्या, मतलब कितना तैयारी है, क्या औकात है। उसके बाद आदमी तैयारी करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कि जब सिलेबस डिसाइड हो गया हमारा, तो उसके बाद बुक्स, उसके हिसाब से बुक्स डिसाइड करना कि कौन सा बुक सही है हमारे लिए। सिलेबस पता चल गया तो यूट्यूब पे हमारे लायक टीचर कौन पढ़ाता है, तो बुक्स डिसाइड करके पढ़ाई करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब बुक डिसाइड हो जाता है और टीचर का पता चल जाता है कि हाँ ये टीचर इस सिलेबस के लिए अच्छा पढ़ा सकता है, ये बुक है जो इसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अच्छा बुक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी होता है कि पहले बुक डिसाइड कर लो कि मेरा तैयारी कितना है, मैं बेसिक से पढ़ सकता हूँ या डीप मेरा नॉलेज है पहले से, मैं उतना तैयारी कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अब आएंगे तीसरे पॉइंट पे, आते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है, कि अगर जब बुक डिसाइड हो गया तो उसके बाद आप देखो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके हो कि टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आता है, तो आप क्वेश्चंस देखो, टॉपिक देखो कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ज़्यादा, टॉपिक कहाँ से आते हैं। तो बुक के अंदर आप टॉपिक डिसाइड करो, अंडरलाइन करो और फिर उसको पढ़ना चालू करो। और जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, पढ़ाई करना चालू किया, तो अब उसको पढ़ना कैसे है, तो उसको पढ़ना कैसे है ये चौथा पॉइंट है। मैं बताता हूँ कि पढ़ाई करने से स्टार्ट ये करेंगे कि पहले उसका अच्छा कोई डीप नॉलेज वाला बुक होगा जो कि पूरा थ्योरेटिकल होगा। तो अब स्टार्ट से आप करोगे कि ऐसे वन लाइनर पढ़ लिया, वन लाइनर पढ़ लिया, तो नहीं होगा। तो इसके लिए टॉपिक वाइज उसको पढ़ो पूरा अच्छे से क्लियर करके, और जब टॉपिक वाइज क्लियर हो गया तो उसके बाद आप पढ़ो वन लाइनर, उसका वन लाइनर, उसी टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर, और उसके बाद करो एमसीक्यू सॉल्व। तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक में मैं कितना गेन कर लिया, क्या हुआ, मतलब 50% गेन हुआ क्योंकि मेरे से 50% क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 70% गेन हुआ। तो उसे ये पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इसलिए टॉपिक डिसाइड करो, वन लाइनर करो, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो। तो अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि अगर आपने बुक डिसाइड कर लिया, हर चीज़ कर लिया, टॉपिक भी डिसाइड कर लिया, तो मेन आता है एक एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स बनाना। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एज टू एज बुक को कॉपी में लिख लेते हैं और बोलते हैं मैंने नोट्स बनाया। तो भाई साहब ये नोट्स नहीं होता है। नोट्स का मतलब है कि आप शॉर्ट में उस चीज़ को लिखो, एक लॉन्ग नोट्स बनाओ लेकिन एक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का सबसे बड़ा फायदा है कि हम लोग कैरियर कोचिंग में पढ़ते थे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर थे जो गिरिजेश तिवारी सर, यूट्यूब पे वो भी पढ़ाते हैं लेकिन वो दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ाते हैं, इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ाते हैं एलपी का। तो उन्होंने मुझसे बोला था, मतलब पूरे क्लास से, कि
कि भाई अगर एक बात बताओ कि एग्जाम के एक रात पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पूरा बुक्स तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भाई एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको अलग रखिए एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, आप उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हैं और आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स बनाया, पढ़ाई किया, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लॉन्ग तो पूरा नहीं पढ़ सकते, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोचिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग मेरे यूट्यूब वीडियो में भी कमेंट किए हैं कि सर कोचिंग करें, किसके पास करें, क्या करें। तो भाई साहब बात ऐसा है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक कोचिंग पकड़ लेंगे और वहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास हर सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर होगा। तो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उनके पास हर चीज़ का बेस्ट टीचर होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए एक टीचर डिसाइड करो एक सब्जेक्ट का जो कि फाड़ू पढ़ाता हो, जबरदस्त जिसको बोलते हैं। तो इंडिविजुअल क्लास करना सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी होता है कि अगर मैं इंडिविजुअल क्लास कर रहा हूँ, ये टीचर मैथ के लिए बेस्ट हैं, ये टीचर साइंस के लिए बेस्ट हैं, ये टीचर जीके के लिए बेस्ट हैं, तो वो बेस्ट है ना कि हर सब्जेक्ट का मुझे अच्छा नॉलेज होगा। और एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कोई भी एक सब्जेक्ट कंपटीशन क्रैक करने के लिए, क्योंकि एक नंबर से आदमी फेल हो जाता है, एक नंबर से पीछे रह जाता है, 0.5 नंबर से पीछे रह जाता है। तो एक सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इंडिविजुअल क्लास किया करो, वो बेस्ट है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरा सिलेक्शन इसी की वजह से हुआ है, जो बहुत लोग नहीं करते हैं, यही मेरा सिलेक्शन इसी टॉपिक से हुआ, यही चीज़ मैं करता था। मैं बताता हूँ कि वर्क ऑन योर वीक पॉइंट, मतलब आप अपने वीक पॉइंट पे काम करो, जो इस चीज़ स्ट्रांग है उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, उसका बस प्रैक्टिस कर लो, अच्छा है, मज़ा आता है वो जो स्ट्रांग चीज़ है, लेकिन सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, आप उसमें 30 नंबर का आता है, 30 नंबर से मेरिट नहीं बनने वाला है, 30 में 30 कर लोगे, और जो आपका वीक है उसमें 10 आएगा, कोई मतलब नहीं बनता है, सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन ऐसे होता है कि जो आपका वीक पॉइंट है उस पर काम करो। तो सवाल आता है कि पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा कि आप लगाओ प्रैक्टिस सेट, चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, मैं प्रीफर करता हूँ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस लगाओ, उसके लिए टेस्ट बुक है, और टेस्ट बुक प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन स्टडी के लिए एक नया वीडियो आने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट अगर लगाओगे तो उससे ये पता चलेगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कुछ दिन के लिए करो साइड और वीक पॉइंट पे काम करना शुरू करो। जब से वीक पॉइंट पे काम करना शुरू नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीक पॉइंट पे काम करना शुरू करो। और ये एक ज्ञान का बात है जो कि मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से, ये कोई टिप्स नहीं है, और टिप्स के तरह से लोगों तो टिप्स भी है कि भाई एक चीज़ होता है सिलेक्शन के लिए कितना मेहनत करना है, क्या करना है। तो जितना मेहनत करना है ना, अगर आप 5 साल वेट करके भी करोगे तो उतना ही करना है, ऐसा नहीं कि आप 3 साल पढ़ रहे हो टाइम पास कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उतना मेहनत करना ही है। और अगर स्टार्टिंग में ही आप उतना मेहनत करते हो तो 1 या 2 साल में आप जॉब लेके निकल जाओगे, उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाओगे, तो जैसे पढ़ाई करना है जो करना है करते रहोगे, पैशन फॉलो करना है जो भी करना है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग ऐसे होते हैं, क्या एक हाथ में जॉब होना ही चाहिए, क्योंकि कोई टाटा बिरला के घर का नहीं है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि 6 महीने जम के मेहनत करो स्टार्टिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टार्टिंग में मेहनत करना, और उस टाइम कर लिया ना, मैं बस 1 साल प्रिपरेशन किया हूँ अच्छे से, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो भाई स्टार्टिंग में अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, अच्छे से मेहनत कर लेते हो ना, तो 4-5 साल नहीं लगेगा। बहुत लोग स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और बाद में उतना मेहनत करना ही पड़ता है सिलेक्शन के लिए, तो वो एग्ज़ाम जितना पढ़ाई मांगता है ना उतना आपको देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में दे दोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये एक स्पेशल बात था जो मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डिसाइड कर सकते हो अगर कि किस टॉपिक पे बनाना है, क्या बताना है। मैं नॉलेजेबल वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एक अलग सेशन चलेगा जो कि आपके सिलेक्शन में अच्छा होगा, मोटिवेट करेगा, बहुत चीज़ हैं जो अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास जो कि मैं बना सकता हूँ उस पर वीडियो, तो सजेस्ट भी कर सकते हो, या मेरे माइंड में तो बहुत सारा है, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाने वाला हूँ कि मैथ अच्छा कैसे करें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसके लिए मुझे खुद अच्छे से जानना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा प्यार दिखाओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
और जो दोस्त लोग हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है प्रिपरेशन के लिए, और खासकर मैं एलपी हूँ तो रेलवे के लिए, तो उनको भी शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, मिलेंगे किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Picture we took many years ago.